फिल्म पद्मावती पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको बता दें, पद्मावती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके कारण संजय लीला भंसाली को बड़ी राहत मिली है। फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने करणी सेना को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी फिल्म पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि सेंसर बोर्ड से भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ऐसे में हम सुनवाई कैसे कर सकते हैं? इससे पहले भी हाई कोर्ट ने पद्मावती पर दायर याचिका पर सुनवाई करने से सीधा मना कर दिया था। वहीं इस मामले पर फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली ने फिल्म पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हम रानी पद्मावती का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी कहानी से हमेशा प्रभावित हुए हैं। ये फिल्म उनकी वीरता और उनके बलिदान को नमन करती है। भंसाली का ये भी कहना है कि कुछ अफवाहों की वजह से ये फिल्म विवादों का मुद्दा बन चुकी है। अफवाह ये है कि फिल्म रानी पद्मावत और अलाउद्दीन खिलजी के बीच ड्रीम सीक्वेंस दर्शाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिल्म पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजपूत करणी सेना इस फिल्म का विरोध कर रही है। कुछ महीनों पहले ही करणी सेना के लोगों ने फिल्म के सेट पर खूब हंगामा किया था और फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ मारपीट भी की थी। दरअसल ये फिल्म महारानी पद्मावती के जौहर पर आधारित है और वो ये नहीं चाहते कि इस फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाए। करणी सेना का आरोप है कि पद्मावती की कहानी से छेड़छाड़ की गई है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।